आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छात्राओं की भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। MSc फर्स्ट ईयर सेमी बाटनी छात्र छात्राओं को दिए गए परीक्षा परिणाम को पुनः निरीक्षण करने के लिए ज्ञापन दिया है। जिला मुख्यालय बड़वानी में स्थित शासकीय स्नानोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने बताया कि वहां अनियमित छात्र छात्रा है। सन 2021 बालवीर में हमने MSc फर्स्ट ईयर से भी बाकी के नियमित छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी कि उन्होंने इस वर्ष परीक्षा दी थी और परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं था। आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनजातीय ग्रामीण क्षेत्र की आए हुए छात्र छात्राओं के साथ बहुत ही बड़ा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि कई गहराई से जांच होना चाहिए, क्योंकि यह छात्र छात्रा BSc उत्तीर्ण कर MSc तक पहुंचे हैं। तो क्या कारण रहा कि इन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर गलत लिखे, वह बहुत ही गंभीर और जांच का विषय है। इस संबंध में आज शासकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम में आए हुए राज्यसभा डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत कर अपने ऊपर वह इस छात्र अत्याचार के बारे में अवगत कराते हुए छात्र छात्राओं ने अपनी मानसिक वेदना बताते हुए भावुक हुए छात्र छात्राओं ने बताया है कि इस प्रकार की घटना पूर्व में भी हो चुकी थी, पर जांच के नाम पर मामला रफा दफा कर दिया गया था। अभी तक उनके परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसकी जानकारी छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाई है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग करी है कि MSc फर्स्ट ईयर सेमी बाटनी नियमित शहीद भीमा नायक शासकीय स्नानोत्तर महाविद्यालय बड़वानी का विषय फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर का पुनः निरीक्षण परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है, ताकि 49 छात्र छात्राओं का भविष्य के अंधकारमय जीवन से बाहर निकल सके। कई छात्र छात्रा जनजातीय समाज से होकर बहुत ही निर्धन और गरीब परिवार से हैं। आपका हम लोगों ने एग्जाम दी हमारी और उसका परिणाम गलत आया है। कौन सी क्लास में आप? MSc फर्स्ट सेम बोटनी के छात्र छात्रा हैं। कितने विद्यार्थी इसमें? हम 49 मतलब। तो उसकी परीक्षाएं कहाँ पर हुई थी? सेंटर में, बड़वानी सेंटर में। और नियमित मतलब उपस्थिति से दिए सभी अच्छे से मेहनत से, और वो जो रिजल्ट आया उसमें 00 नंबर दिए है रिजल्ट में। तो आपने जांच के लिए कोई शासन को अवगत कराया? हाँ सर, दिए ज्ञापन भी दिए प्रिंसिपल को। उन्होंने क्या बोला? चल रही है करके आज 7 दिन हो गए। हाँ। और सर 500 रुपये भी फिर उसके में वो भी दिए भरे आपने? हाँ, वो भी गरीब बच्चे कहाँ से मतलब पैसे कहाँ से लाएंगे माँ बाप? ग्रामीण क्षेत्र के आप ATKT के फॉर्म भरवाओगे, फिर हम इंदौर जाएंगे, फिर वहाँ पर भी चेक कराओगे, फिर और वापस बुलाओगे, कब तक ये चलेगा सर? और यूनिवर्सिटी सुनवाई होती ही नहीं है कभी। आपका नाम क्या? मेरा नाम तुलसी सुनेंगे। सुरेश जामरे अजय रावत।